रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आज हम इस टॉपिक पे बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने जाना कि अलालिक पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है। तो अगर हम मान लीजिए कि साइक्लोपेंटीन लिए हैं और ब्रोमीन के प्रेजेंस में ये दो तरह का रिएक्शन कर सकता है। अगर ब्रोमीन जो है, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन लो हो और इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, ये क्या करेगा, थ्री ब्रोमो पेंटीन या थ्री ब्रोमो साइक्लोपेंटीन देगा, साइक्लोपेंटीन देगा। लेकिन अगर सेम रिएक्शन हम एक्सेस ऑफ Br2 के प्रेजेंस में कराएं और डार्क में कराएं तो 1:2 डाइसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा, यानी कि 1:2 ड्राई ब्रोमो साइक्लोपेंटीन ये देगा। यहां से जो डबल बॉन्ड रहेगा वो हट जाएगा और यहां पे दो ब्रोमीन आके एड हो जाएगा। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो एक ही ब्रोमीन के प्रेजेंस में क्या होता है, अगर लो कॉन्सेंट्रेशन होता है तो हीट एंड लाइट के प्रेजेंस, हीट और लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जिसके कारण हमें थ्री ब्रोमो साइक्लोपेंटीन मिलता है। और अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है एक्सेस ऑफ Br2 के प्रेजेंस में डार्क में तो 1:2 डाइब्रोमो साइक्लोपेंटेन हमें मिलता है। तो ये रिएक्शन, ये प्रोडक्ट क्या मिलता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग जानेंगे कि एलाइलिक ब्रोमिनेशन कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें किस तरह का हमें प्रोडक्ट मिल सकता है। तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए सबसे पहला बात है कि NBS को एज ए रीएजेंट हम लोग यूज करते हैं। ये क्या है, NBS क्या है, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड क्या है, नाइट्रोजन पे ये क्या है, सक्सिनिमाइड है, इमाइड ग्रुप का ये क्या है, रिएजेंट है। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ चूंकि ब्रोमीन जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम हो जाता है, नाइट्रोजन के साथ ब्रोमीन जुड़ा है इसलिए इसका क्या नाम होगा, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। किसी भी न्यूट्रल सॉल्वेंट में के प्रेजेंस में अगर हम लोग हीट या लाइट देते हैं तो यही साइक्लोपेंटीन जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया था और इस तरह का हमें थ्री ब्रोमो साइक्लोपेंटीन प्रोडक्ट मिलेगा। ये क्या है, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें ये जो है एज ए प्रोडक्ट हमें मिलेगा। अब ये जो NBS है ये क्या करता है कि हमें क्या चाहिए, रिएक्शन कंडीशन में हम लोगों ने देखा था कि ब्रोमीन जो है वो हमें लो कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए, तो ये क्या करता है NBS पूरे रिएक्शन के दौरान लो कॉन्सेंट, हमेशा ब्रोमीन की सप्लाई ये हमेशा देते रहेगा लेकिन कभी भी एक्सेस नहीं होने देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला प्रोडक्ट भी हमें मिल सकता है वो नहीं मिलेगा और केवल रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट हमें मिलेगा। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है इसे हम लोग देखते हैं। जो NBS है वो क्या होता है, अगर हीट या लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे होमोलिटिक फ्यूजन होगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड जो बना है दो इलेक्ट्रॉन के कारण बना है, तो होमोलिटिक फ्यूजन में क्या होता है, दोनों जो है एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना आ जाता है। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन लेके और नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब दो तरह का हमें यहाँ पे एक ये रेडिकल एक ब्रोमीन रेडिकल, दो रेडिकल हमें मिलेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रह गया और ब्रोमीन के ऊपर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो दो तरह के हमें रेडिकल मिल गए। अब क्या होगा कि ये जो ब्रोमीन है ये क्या हो गया, इनिशिएशन स्टेप जो हम लोग करते हैं, ये अब ब्रोमीन क्या करेगा, रिएक्शन मिक्सचर में जो ये हमें हमारा जो रिएक्टेंट हम दिए रहेंगे उस पर क्या करेगा, ये अटैक करेगा और इसमें ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ एलाइलिक पोजिशन पे जो हाइड्रोजन है, चूंकि ये अलाइलिक पोजीशन से ही क्यों हाइड्रोजन को निकालेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है और यहाँ पे इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम है और उसके बाद जो एलाइलिक रेडिकल फॉर्म होगा वो रिजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो दो इलेक्ट्रॉन के कारण है, तो जब एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके ब्रोमीन के साथ HBr बना देगा और यहाँ पे क्या हो गया, अब ये साइक्लोपेंटीन जो है रेडिकल है एक फॉर्म कर गया, ये क्या हो गया, एक नया रेडिकल फॉर्म कर गया, यानी कि ये कैसा स्टेप है, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। अब देखिए यही HBr जो है रिएक्शन मिक्सचर में जो और NBS जो है उस पर अटैक करेगा। अब HBr में क्या होगा, ये H+ के रूप में और ये Br जो होता है माइनस के रूप में रहता है, तो
तो अब ये जो एच है इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, ये जो ब्रोमीन है इस ब्रोमीन पे अटैक कर देगा और इस ब्रोमीन को ले लेगा तो Br2 फॉर्म करेगा। ये क्या हुआ, और यहाँ पे आके ये ऑक्सीजन लग गया है, यहाँ पे आके लग गया है। अब ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, इसके पास जाके ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा। अब क्या हुआ, फिर से समझिए, ये जो HBr है, ये जो HBr है इस पे आके अटैक करेगा NBS पे, और ये H कहां पे अटैक कर सकता है, जहां भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन के पास, और ये Br क्या करेगा, इस Br को बाहर लेके जाएगा। तो यहां से जब Br निकलेगा तो किस तरह से निकलेगा, Br प्लस ये माइनस, तब ना ये Br2 बनेगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो ये Br प्लस के रूप में निकलेगा, तो ये यहाँ पे एक आ गया, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा। अब क्या है कि ये जो Br2 है, यही क्या है, मिक्सचर रिएक्शन, मिक्सचर में हमेशा NBS इसी रिएक्शन के थ्रू, हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ये रिएक्शन हमने दिया है, इसी रिएक्शन के थ्रू NBS जो है रिएक्शन मिक्सचर में एक कांस्टेंट Br2 का सप्लाई देता है, जो कि ना एक्सेस में भी ना हो और जिससे ये रिएक्शन आगे होता भी रहे। अब क्या है कि यहाँ पे अब जो ये क्या हो जाता है कि फिर से ये इमाइड के रूप में फॉर्म कर जाता है, ये वाला हाइड्रोजन जो है इस नाइट्रोजन के पास चला जाएगा और ये ऑक्सीजन के पास ठीक पहले जैसा डबल बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि इमाइड फॉर्म कर जाएगा। अब जो ये Br2 है वो क्या होगा, फिर हीट और लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, होमोलिटिक फ्यूजन होगा, और एक Br इस के ये जब टूटेगा तो क्या होगा, ये Br एक इलेक्ट्रॉन लेके और एक Br ये इलेक्ट्रॉन दोनों ले लेगा, और ये क्या है, इस रिएक्शन मिक्सचर में जो हमें ये साइक्लोपेंटीन रेडिकल था उसके साथ मिलके यहाँ पे क्या होगा, 3-bromo-cyclopentene बना दिया। क्या बनाया, 3-bromo-cyclopentene, और यहाँ पे एक ब्रोमीन रेडिकल फॉर्म कर गया। टर्मिनेशन कैसे होगा, एज यूजुअल जैसे कि रेडिकल रेडिकल मिलके क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, तो ये रिएक्शन का टर्मिनेशन यानी कि इंड होगा। अब जब तक रेडिकल रहेगा तब तक रिएक्शन होते रहेगा, जब रेडिकल क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ यूज अप हो जाए, बन के मॉलिक्यूल बनाने लगे, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आप समझ पाएंगे कि कैसे NBS जो है एलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है, इस पोजीशन को क्या कहेंगे हम लोग, ये एलाइलिक पोजीशन है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे जाके ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हुआ, इसलिए ये कैसा पोजीशन है, एलाइलिक पोजीशन है। अब जब भी रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के केस में क्या होगा, एलाइलिक पोजीशन पे होगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे अगर हम एलाइलिक ही ब्रोमिनेशन हो रहा है तो कैसे हमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, कैसे उसको हम बार बार एग्जामिनेशन में क्या होता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कितने तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं या कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा। तो मेजर के केस में आपको हमेशा याद रखना है कि जो रेडिकल जो फॉर्म करे, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसी का प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा, हमेशा उसी पर ध्यान देना है। और अगर नंबर ऑफ आपसे प्रोडक्ट पूछा जाए तो क्या करना है, उस केस में हम लोग कितने तरह के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जितने तरह के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतने तरह के प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं। जैसे ये क्या है, ये साइक्लोपेंटीन ही है, लेकिन इसमें क्या है, एक पोजीशन में 2-methyl ग्रुप ऐड हो गया है। अब अगर हम इसको NBS और HNU के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराए तो क्या होगा, एक तो इसके एलाइलिक पोजीशन कौन कौन सा हो गया, एक ये वाला पोजीशन एलाइलिक और एक ये वाला पोजीशन एलाइलिक, कैसे, 1, 2, 3 इस तरह से आप याद रख सकते हैं। वैसे ही यहाँ से 1, 2 एंड 3 जो भी थर्ड वाला पोजीशन होगा वो क्या होगा, हमें क्या करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से स्टार्ट करना है, और 1, 2, 3 तीसरा जो पोजीशन होगा वो एलाइलिक पोजीशन होगा। तो यहाँ पे दो तरह के रेडिकल फॉर्म कर सकते हैं, एक तो इस थर्ड यहाँ वाले एलाइलिक पोजीशन पे और दूसरा यहाँ वाले एलाइलिक पोजीशन पे। तो क्या होगा, यहाँ हम दो तरह का हमें प्रोडक्ट भी मिल सकता है, यहाँ पे एक ब्रोमीन ऐड हो सकता है और एक ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो सकता है, और दोनों में क्या होगा, अगर रेशियो की बात करें तो दोनों का दोनों ही क्या है, 2 डिग्री ही है, तो इसलिए क्या हो सकता है, दोनों में से कोई भी मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, इक्वल ही फॉर्म करेगा। अब अगर हम एक साइक्लोहेक्सीन ले रहे हैं और उसका अगर हम क्या करें, ब्रोमिनेशन करा, तो कितने तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं,
केवल और केवल एक प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे हर जगह रिजोनेंस करेगा, ये डबल बॉन्ड मूव करेगा तो रेडिकल अलग अलग पोजीशन पे जाएगा, लेकिन हर जगह में क्या होगा वो इक्विवेलेंट ही है, प्रोडक्ट क्या होगा इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि देखिए 1 2 3 ये पोजीशन इसके लिए अलाइन ली, फिर यहां से करेंगे तो 1 2 3, लेकिन उसके बाद भी जब डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो और भी मूव कर सकता है, रेडिकल अलग अलग जगह पे फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा वो सेम ही होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ पे ब्रोमीन यहां भी ऐड हो सकता है और यहां भी ऐड हो सकता है, और इसमें एक ही तरह का प्रोडक्ट, सब क्या है ये दोनों जो है सिमिलर तरह के प्रोडक्ट है, सिमिलर प्रोडक्ट है। अब इस सेम सब्सट्रेट पे अगर यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दे तब क्या होगा उस केस में, देखिए यहां से देखिए 1 2 एंड 3 यहाँ पे एक ब्रोमिनेशन हो सकता है, वैसे ही इस साइड से करेंगे तो 1 2 एंड 3 यहाँ पे एक ब्रोमीन रेडिकल फॉर्म कर सकता है, तो यहाँ पे एक ब्रोमीन ऐड हो सकता है, लेकिन ये दोनों क्या है ये दोनों जो है ये सेम प्रोडक्ट है, ये दोनों क्या है ये सेम प्रोडक्ट है, और दोनों क्या है एक जैसे ही स्टेबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ये 2 डिग्री कार्बन हो रहा है और यहाँ पे भी ये 2 डिग्री कार्बन हो रहा है। अब क्या है ये रिजोनेंस करके यहाँ पर भी जा सकता है, यानी कि एक डबल बॉन्ड यहाँ पर भी फॉर्म कर सकता है, उस केस में क्या होगा सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा, क्यों 1 2 एंड 3 थर्ड पोजिशन पे, और देखिए यहाँ पे जो है जब यहाँ पे क्या हो सकता है यहाँ पर भी 1 2 एंड 3 बाहर हम ले जा सकते हैं 1 2 एंड 3 इस पोजिशन पे भी ब्रोमिनेशन हो सकता है, तो ये लेकिन क्या होगा प्राइमरी कार्बन होगा, वैसे ही यहाँ जब डबल बॉन्ड करेंगे तो ये कम स्टेबल होगा, लेकिन ये 2 डिग्री है। अब क्या है यहाँ पे भी ब्रोमिनेशन हो सकता है, क्योंकि जब ये यहाँ मूव करेगा तो यहाँ भी रेडिकल फॉर्म कर सकता है, ये जो है डबल बॉन्ड ये रिजोनेंस कर सकता है, जब ये रिजोनेंस कर सकता है तो यहाँ मूव करेगा तो रेडिकल यहाँ फॉर्म करेगा, तो इस कंडीशन में जो ब्रोमीन लगेगा, देखिए यहाँ जब डबल बॉन्ड आएगा तो रेडिकल यहाँ पे फॉर्म करेगा, ये तो रिजोनेंस कर सकता है ना, और अलग अलग पोजिशन पे रेडिकल फॉर्म हो सकता है, तो जब यहाँ पे रेडिकल अगर फॉर्म करेगा और ब्रोमीन ऐड करेगा तो यहाँ पे क्या होगा ये 3 डिग्री कार्बन होगा, तो ये क्या होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री रेडिकल उससे कम स्टेबल और 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल होता है, तो ये 3 डिग्री वाला क्या होगा ज्यादा ज्यादा जो है स्टेबल होगा, तो मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन इसमें कितने तरह के प्रोडक्ट फॉर्म किए, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कितने तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, ये दोनों सिमिलर है तो 1 2 3 एंड 4, वैसे ही देखिए यहाँ पर अगर इस तरह का हमें कोई रिएक्टेंट दिया हो और Br2 और HNu के प्रेजेंस में, यानी कि HNu देखकर या हीट देख के आप समझ सकते हैं कि जो ये रिएक्शन है ये रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होगा, तो इसमें भी क्या है एक तो ये पोजीशन पे हो सकता है, क्यों 1 2 एंड 3, वैसे ही 1 2 एंड 3 तो इस पोजिशन पे भी हो सकता है, और अगर ये रेडिकल जब यहाँ पे आएगा रिजोनेंस कर सकता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पर रेडिकल फॉर्म कर सकता है, ये डबल बॉन्ड जो है इस साइड आ सकता है, जब यहाँ पे ये आएगा रिजोनेंस करके तो यहाँ रेडिकल फॉर्म करेगा तो यहाँ पर Br2 जुड़ सकता है, सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ Br जुड़ सकता है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट जो है एलाइलिक पोजिशन पे हर जगह, सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि रिजोनेंस तो जैसे रेडिकल और डबल बॉन्ड का रिजोनेंस होता है सेम उसी तरह से होगा, अल्टरनेट में रेडिकल फॉर्म करेगा एलाइलिक पोजीशन पे, और जहां पे रेडिकल फॉर्म करेगा हमें क्या करना है ब्रोमिनेशन उसी पोजीशन पे कराना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लोरीनेशन आयोडिनेशन एंड फ्लोरिनेशन के बारे में जानेंगे। थैंक यू।